वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे आज। नाम है चैप्टर का टॉम सॉयर एंड हकलबेरी फिन। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। मीनिंग्स आपके सामने दिए गए हैं, ये आपको लिखने हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, बट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स क्विकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है, व्हाट वॉज द मेन कॉज ऑफ टॉम्स मिजरी। टॉम जो था उसके दुख का मेन कारण क्या था। टॉम सॉयर फेल्ट मिजरेबल बिकॉज इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग। मंडेज फॉर हिम मेंट द बिगनिंग ऑफ अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल। अब उसके दुखी होने का कारण था कि आज का दिन जो था वो था मंडे, और मंडे का दिन जो होता है ज़्यादातर बच्चों के लिए एक ऐसा दिन होता है जब बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है और कंटिन्यूसली 6 दिन तक हमें स्कूल जाना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर टॉम सर जो थे उसको भी ऐसा लगा कि अब मुझे पूरा एक हफ्ते तक यानी कि 6 दिन तक स्कूल जाना पड़ेगा, और स्कूल में एक स्लो सफरिंग, यानी कई बच्चों को स्कूल में अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ पर वो सफरिंग की तरह, यानी कि उसको जैसे कोई परेशान करता है या दुख देता है, तो मतलब ऐसी ऐसा काम जो करना हमें अच्छा नहीं लगता है, सफ़र करना, तो ये टॉम सर के लिए मिजरी का कारण था। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, स्कूल अच्छा लगता है सब बच्चों को आजकल तो। हाउ डिड टॉम होप टू अवॉइड अटेंडिंग स्कूल। टॉम जो था वो सोमवार के दिन काफ़ी दुखी था, और उसको ये बात का दुख था कि मुझे 6 दिन कंटिन्यू स्कूल जाना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा स्कूल को। तो टॉम क्या होप कर रहा था, क्या सोच रहा था कि वो अटेंड करेगा स्कूल को, कैसे अवॉइड करेगा अटेंड करना। टॉम होप दैट ही फेल्ट सिक सो दैट ही कुड अवॉइड अटेंडिंग द स्कूल। ऑन बींग अनेबल टू फाइंड एनी वर्दी सिम्टम्स और एक्सक्यूजेज ही डिसाइडेड टू फेक groaning in pain from his sore toe. टॉम ये आशा कर रहा था कि काश वो बीमार हो जाए और इस प्रकार वो स्कूल जाने से बच जाएगा, लेकिन उसको कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था, कोई सिम्टम ही नहीं मिल रहा था जिससे वो ऐसे साबित कर सके कि मैं तो बीमार हूँ। तो ऐसे में एक्सक्यूज़ देते हुए एक फेक उसने मतलब बीमारी बनाई, जो कि था उसका पैर, उसका जो टो था वो उस पर चोट लग गई, ऐसे करके वो बता रहा था कि मेरा पैर चोटिल है, और वो बहाना करने लगा। इन वॉट वेज डिड सिड रिएक्ट टू टॉम्स कंप्लेंट। सिड जो था उसने टॉम की कंप्लेंट को कैसे रिएक्ट किया। सिड वॉज वरीड एंड वॉन्टेड टू कॉल आंट पॉली एट वंस। सिड चाहता था कि वो फटाफट से आंट पॉली को बुलाए। ही टोल्ड टॉम दैट ही शुड हैव वॉक सिड अप अर्लियर। और वो उसे कहता है कि क्यों ना मैं आंट पॉली को बुला दूं, और वो चाहता था कि आंट पॉली को बुला दे ताकि टॉम का इलाज किया जा सके, उसकी देखभाल की जा सके। और उसने टॉम से ये भी कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही ये बहाना कर रहा था ना। तो सिड ने कहा कि तुम मुझे पहले उठा देते अगर ऐसी बात थी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वे डिड आंट पॉली रिएक्ट टू टॉम्स कंप्लेंट। आंट पॉली जो थी उन्होंने किस प्रकार से टॉम की कंप्लेंट को संभाला, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने। आंट पॉली वॉज अ लिटिल नर्वस टू सी टॉम ग्रोनिंग, बट वेन शी हर्ड हिम से दैट हिज सोर टो वॉज मोर्टिफाइड शी सेट डाउन इन टू अ चेयर एंड लाफ्ड अ लिटिल देन क्राइड अ लिटिल देन डिड बोथ टुगेदर। तो आंट पॉली जो थी वो थोड़ी नर्वस हो गई टॉम को दर्द से कराते हुए चिल्लाते हुए देखकर, लेकिन जब आंट पॉली ने सुना कि टॉम का जो सोर टो था, जो उसके पैर में चोट लगी थी, दैट वॉज मोर्टिफाइड, यानी कि उसकी तो बेइज्जती की गई, यानी कि उसको अपमानित किया गया। अब भाई पैर को कैसे कोई अपमानित कर सकता है। ये सुनने के बाद शी सैट डाउन, वो बैठ गई, स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों यहाँ देख लीजिएगा, शी सैट डाउन इन टू अ चेयर, वो एक चेयर में बैठ गई और हंसने लगी थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ी देर बाद वो रोने लगी, और फिर दोनों साथ साथ यानी हंसना और रोना साथ साथ चलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट
ingenious dental instrument did Aunt Polly use to extract Tom's tooth? Aunt Polly ने ingenious मतलब कौन सा सरल, ingenious का मतलब होता है सरल, easy यानी कि कौन सा easy यानी कि सिंपल, यू कैन से सरल वैसे हिंदी में कहा जाता है और उसी को इंग्लिश में इजी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सिंपल डेंटल इंस्ट्रूमेंट आंट पॉली ने यूज़ किया था टॉम के दांत को निकालने के लिए। आंट पॉली यूज अ पीस ऑफ अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर टू एक्सट्रैक्ट टॉम्स टूथ। आंट पॉली ने एक सिल्क थ्रेड, एक सिल्क का धागा यूज़ किया एंड चंक ऑफ फायर और कुछ आग का एक छोटा सा चिंगारी टाइप बोल सकते हो आप, उसका उपयोग करके उन्होंने उसका दांत निकाल दिया। वॉट डज हकलबेरी फिन हैव एंड हाउ डिड ही गेट इट? हकलबेरी फिन के पास मतलब क्या था और वो उससे कैसे उसको मिला? हकलबेरी फिन वॉज एडमायर्ड बाय ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे उसकी बहुत तारीफ करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। बिकॉज ऑफ इस गॉडी आउटकास्ट, गॉडी GAUDY आउटकास्ट कंडीशन, क्योंकि उसकी एक मतलब गॉडी का मतलब होता है ब्राइट बोल सकते हैं, आउटकास्ट मतलब जो सोशली उसको निकाल दिया जाता है। बिकॉज ही वॉज क्वाइट ब्राइट बट आउटकास्ट कंडीशन, कि वो था तो सबका हीरो, सब लोग उसको तारीफ करते थे, बट ही वॉज आउटकास्टेड यानी कि समाज के द्वारा ठुकराया हुआ था। ही वॉज द जुवेनाइल पेरिया बाय वर्च्यू ऑफ बींग द सन ऑफ द टाउन ड्रंकार्ड, वो एक जुवेनाइल परिया था, इसका मतलब होता है उसको समाज ने यानी कि उसकी उम्र अभी 18 साल से कम थी और उसको समाज ने ठुकरा दिया था यानी कि समाज उसको निकाल चुका था, समाज में से निकाल दिया गया था, तो ऐसा उसका कंडीशन था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो टाउन उस शहर के सबसे बड़े पियक्कड़ जो शराब बहुत पीता है उसको ड्रंकर्ड बोलते हैं, तो ड्रंकर्ड का बेटा था इस वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज हकलबेरी फिन लाइक? थिंक ऑफ सम एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब हिज लुक्स एंड पर्सनालिटी। हकलबेरी जो था वो कैसा दिखता था, उसको दर्शाने के लिए हमें उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। यहाँ पर हकलबेरी जो था, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बच्चों प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बुक मैंने नहीं लिखी है, सो दिस इज़ नॉट माई हैंड राइटिंग, बट देर आर सम मिस्टेक्स ऑल्सो, सो काइंडली क्लियर दोट मिस्टेक्स ऑल्सो। हाँ, हकलबेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। हकलबेरी फिन वॉज आइडल, लॉलेस, वल्गर एंड बैड। हकलबेरी फिन कैसा था? वो एक निकम्मा, आइडल बोलते हैं ना जिसको, यानी कि एकदम फ्री, कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा था। लॉलेस, कानून को बिल्कुल नहीं मानता था, वल्गर था और बैड, बहुत ही बुरा व्यक्ति था। ही वॉज हेटेड एंड ट्रेडेड बाय ऑल द मदर्स ऑफ द टाउन, सारी जो शहर की माएँ थीं वो उसको हेट करती थी, उसको बुरा समझती थी। केयरफ्री, वाइल्ड, रॉडी, शैबी एंड अनडिसिप्लिन्ड आर वर्ड्स दैट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड हकलबेरी फिन। तो ये शब्द जो लिखे गए हैं, इन शब्दों से हम उसको बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हकलबेरी फिन इज डिस्क्राइब्ड एज अ परिया, देन वाई डिड ऑल द बॉय वॉन्ट टू एसोसिएट विद हिम? अब सब लोग उसको वैसे तो पैरिया यानी कि ठुकराया हुआ, समाज से निकाला हुआ मानते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो हकलबेरी फिन जो था, ही वॉज लॉलेस, वल्गर एंड बैड, वो बहुत ही बुरा था, वल्गर भी था और लॉलेस भी था। बट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन एडमायर्ड हिम, लेकिन टाउन के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एंड एनवीड हिज गॉडी आउटकास्ट कंडीशन, उसकी जो आउटकास्ट कंडीशन थी गॉडी यानी कि उसको जो समाज से निकाला गया था, उस कंडीशन से वो दे एनवीड यानी कि उससे वो खफा भी थे, उससे उनको बुरा भी लगता था, भी इतने अच्छे लड़के को क्यों निकाला। अब उनको अच्छा क्यों लगता था, उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या थी? वो तो बुराई वाली क्वालिटीज़ थी, बट फिर भी वो बच्चों को क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि हकलबेरी केम एंड बेंट एट हिज ओन फ्री विल सो वर वंडरफुली, वो अपनी मर्जी से करता था जो भी करता था, यानी कि उसके ऊपर कोई नहीं था जो उसको काम करवा सके, या वो अपनी मर्जी से करेगा जो भी करेगा।
He left on doorsteps in fine weather and in empty hook sheds in wet. वो जब अच्छा वेदर होता था तब वो घर छोड़कर घूमता फिरता रहता था, कहीं भी चला जाता था, और इवन वो एम्प्टी हॉग शेड्स के अंदर, यानी कि खाली पीपे होते हैं उसके अंदर वो बैठ जाता था बारिश के दिनों में, जब बारिश पड़ती थी वो खाली पीपों के अंदर, यानी कि गोल गोल जो पीपे होते हैं उनके अंदर वो बैठकर समय बिता लेता था। ही नेवर वेंट टू स्कूल और टू चर्च, वो कभी स्कूल तो गया ही नहीं था ना ही चर्च गया था, एंड नेवर कॉल्ड एनी बींग मास्टर, तो किसी को उसने मास्टर भी नहीं कहा था। ही कुड गो फिशिंग और स्विमिंग वेन एंड वेयर ही चूज, रिस्पेक्टेबल बॉयज इन सेंट पीटर्सबर्ग दे विश दे कुड बी लाइक हिम, वो जहाँ जाना चाहता था अपनी मर्जी से जाता था, वो फिशिंग करने जाता था, स्विमिंग करने जाता था, जहाँ उसका मन करता था वहाँ वो चला जाता था। तो ऐसे में जो पीटर्सबर्ग के जो बाकी बच्चे थे वो उसकी तरह बनना चाहते थे, क्योंकि वो तो फ्री विल से घूमता था, तो यही चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है कि हमको फ्रीडम मिले। तो वैसे ही उस बच्चे को सब लोग, वैसे भले वो ठुकराया हुआ था समाज से, लेकिन सब लोग उसकी तरह बनना चाहते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर हक एंड टॉम सिमिलर एंड हाउ आर दे डिफरेंट, दोनों एक समान भी हैं और दोनों अलग भी हैं, कैसे? टॉम और हक की बात की जाए वो दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि वो दोनों जो हैं एकदम कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग है, अलग अलग है। टॉम केम फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड एंड आंट पॉली इंश्योर, टॉम जो है वो एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता है, बैकग्राउंड से आता है, और आंट पॉली इंश्योर करती है कि ही लीड्स अ डिसिप्लिन लाइफ, वो एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाए, नॉट लाई, झूठ ना बोले, बिहेव प्रॉपरली, क्लीन एंड वो अच्छे से बिहेव करे, क्लीन एंड ड्रेस्ड इन अ सर्टेन वे स्लग, और वो अच्छे से साफ सुथरे तरीके से तैयार होकर वो स्कूल जाए, बाहर खेले, बींग द ड्रंकर्ड वॉज अ सोशल पैरियर, जबकि दूसरा जो बच्चा था हक जो था वो एक ड्रंकर्ड, यानी कि एक पियक्कड़ का बेटा था जो शराब बहुत पीता था उसका बाप, और वो सामाजिक तौर पर उसको ठुकराया गया था, कोई भी उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखता था। ही वॉज रफ इन इज वे, वॉर ओवर साइज, हैंड डाउन, फाउल लैंग्वेज एंड लेड अ केयरलेस लाइफ, वो बड़े ओवर साइज कपड़े पहनता था, अपने बाल भी बिखेर के रखता था, मतलब कैसे मवाली लोग कैसे होते वैसे, फाउल लैंग्वेज, खराब भाषा का उपयोग करता होता, केयरलेस जीवन बिताता था। हाउएवर बोथ टॉम एंड हकलबरी वर केयरफ्री इन नेचर, लेकिन दोनों ही बचपना था तो केयरफ्री थे, यानी कि बिल्कुल ही एकदम बोलते हैं ना जैसे हम कि सब चीज़ों से अनजान, बस मज़े करने हैं, बच्चे कैसे होते हैं, केयर फ्री वैसे थे वो। टॉम वॉन्टेड टू बी लाइक हकलबेरी बट हिज सोशल कंडीशनिंग डिडंट अलाउ हिम टू बी सो, टॉम जो था वो हकलबेरी की तरह बनना चाहता था लेकिन उसकी कंडीशन जो थी, फैमिली कंडीशन, बैकग्राउंड वगैरह थी, वो उसको अलाउ नहीं करती थी। ही ट्राइड प्रिटी हार्ड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रूल्स इम्पोज्ड ऑन हिम बाय आंट पॉली बट ही सेल्डम सक्सेसफुल, टॉम ने बहुत कोशिश की कि वो आंट पॉली के द्वारा जो उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनसे निकल कर वो उसकी तरह बन जाए हकलबेरी की तरह, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लास्ट क्वेश्चन हमारा रीडिंग टू कॉन्टेक्स्ट, वन ऑफ देम लूज एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल, हु इज स्पीकिंग टू होम, टॉम बात कर रहा है किससे, आंट पॉली से, हु इज लूज, लूज कौन है, वन ऑफ द टूम्स टूथ इज लूज, यानी कि टॉम का जो दांत है वो एक लूज हो गया, हिल रहा है, यानी कि टूटने की कगार पर है। हाउ इज द प्रॉब्लम डेल्ट विद, प्रॉब्लम से कैसे डील किया गया, आंट पॉली रेमेडीज द सिचुएशन बाय एक्सपेक्टिंग टॉम्स टूथ, आंट पॉली उसका दांत एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको नया दांत आएगा, इस वजह से वो उसको निकालने की कोशिश करती है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर के अंदर स्पेलिंग्स की कुछ मिस्टेक थी तो बच्चों खुद ठीक कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।